तो गाड़ी मोटर मिलते ही नहीं, पकड़िए नहीं, बंदे रहना जी। वीडियो हो रहा जब तक पकड़िए। नमस्ते मित्रों, आज लिविंग हैप्पीली में मैं आपको दर्शन करा रहा हूं अपने ग्राम देवता से, जय माता ब्राह्मणी। इनकी असीम अनुकंपा न कि सिर्फ ग्राम नदामा में बल्कि संपूर्ण बाढ़ अनुमंडल में, और इतना ही क्यों, पूरे पटना जिला में इनकी प्रसिद्धि जानी जाती है। लोग बड़े बड़े दूर से अपने ढेर सारे शुभ कामना मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। इस मंदिर से, इस पवित्र मंदिर की इतनी बड़ी आस्था रही है यहाँ छठ के दौरान, और हर महीने हर मंगलवार और शनिवार को हजारों की संख्या में भक्तगण अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, अपने मंगल कामना को पूर्ण करने के लिए आते हैं। और अभी तक का ऐसा माना जाता है कि जो माता ब्राह्मणी के पास एक बार नतमस्तक हो जाता है उन्हें जीवन की सारी जायज मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मित्रों, आज समय है इस माँ ब्राह्मणी का दर्शन करने का, इनमें आस्था जगाने का, उस ईश्वर के प्रति आस्था जगाने का जिसके छोटा सा रूप देवी लेके आए हैं, और इस देवत्व को पूजा करने का और अपने खुद में देवत्व जागृत करने का, देवत्व प्रदर्शित करने का नहीं, देवत्व प्रदर्शित करने का सिर्फ देवताओं को अधिकार होता है। हमें अधिकार है निरंतर संघर्ष करने का उस देवत्व की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से। मित्रों, आज माँ ब्राह्मणी यही हमें शिक्षा देती हैं कि हमें आजीवन निरंतर निष्काम भाव से सेवा करना है। इनकी जो आस्था है हम सबों पर रहती है। ये इलाका, जिस इलाका से मैं बोल रहा हूँ, ग्राम नदावा, यहाँ सुखी संपन्न लोग मुख्यतः कृषि पर आश्रित रहते हैं। यहाँ की कृषि जो है खुशहाली लाती है, तीन फसल का अनाज होता है और पूरे संपन्नता है। लोग पढ़े लिखे हैं, एक एजुकेशन हब के रूप में बाढ़ मंडल जाना जाता है। तो अगले दिन हम और किसी तीर्थ स्थल की यात्रा कराएंगे। तत्काल यह मेरा जन्म स्थल, कर्म स्थल, कुल देवताओं का स्थल माँ ब्राह्मणी। तो इसी के साथ आप बोलिए माँ ब्राह्मणी की जय, ब्राह्मणी माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।